हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए, आज मैं शेयर कर रही हूँ पकोड़े की रेसिपी। मतलब मैं ज़्यादा उसके पालक अलग के नहीं बना रही हूँ या कुछ बहुत कुछ डाल के। मैं सिर्फ सीधा सिंपल सा सिर्फ प्याज और आलू के ही पकोड़े बना रही हूँ। वैसे तो कुछ था नहीं, ना धनिया ना पालक ना कुछ भी। तो वैसे मेरा मन किया कि मैं सुबह रोज़ तो मतलब कुछ सुबह नाश्ता करते हैं तो पराठे वगैरह ही बना लेते हैं। मैं क्या, चलो आज है ना आलू के पकौड़े बना देती हूँ। तो मैंने लिए यहाँ पे एक आलू लिया है और दो प्याज लिए हैं। साथ में मैंने चाय रखी हुई थी, तो मैं क्या साथ साथ वो ही देख रही थी कि कहीं ऐसा ना वो निकल जाए। तो आलू को छील लेंगे और इसको पतला पतला काट लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे क्योंकि आलू पकेंगे नहीं अगर हम मोटा काटेंगे। तो मैंने चाकू की सहायता से ही इसे पतला ही काट लिया है। और जो प्याज ले ली है उसे भी थोड़ा सा लंबा लंबा ही काट लेंगे। तो इसको पतले पतले लच्छे में काट लेंगे प्याज को। और यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी, तो मैं क्या, चलो दूध डाल देते हैं और ये साथ साथ बनती जाएगी क्योंकि पकौड़े निकालेंगे तो फिर साथ साथ जल्दी जल्दी मतलब दे देंगे खाने के लिए। तो इसको मैंने लच्छे में काट लिया है और इसको प्याज को ना खोल लेंगे इस तरह से, वरना प्याज खुलती नहीं है। तो इसको हल्का सा दबा दबू के ना मसल के थोड़ा सा एक एक मतलब खुल जाती है अच्छे से और ज़्यादा मोटी नहीं होती है। तो इस तरह से खोल लेंगे इसको। और उधर मेरी चाय भी पक रही है। तो प्याज को मैंने आलू के साथ ही डाल दिया है। बड़ी तीखी सी प्याज है और आँखों में बड़ी ज़्यादा लग गई थी मुझे, तो मैं तो साथ में धो लिए हैं आलू को भी, मतलब धो लिया वो साथ में और प्याज भी धो लिया है। तो मैंने सुबह बेटी के लिए बना के दे दिए थे ब्रेड पकौड़ा, और उसके बाद की ये रेसिपी ये है। मैं क्या, चलो ब्रेड पकौड़े की रेसिपी तो मैंने डाली हुई थी तो मैंने वो नहीं सूट की और मैं सिर्फ यही मैं सूट करने लगी। तो मैंने हरी मिर्च भी काट के रखी हुई थी तो मैंने वो भी डाल दी हैं उसमें। 10-15 हरी मिर्चें हैं, अपने जितना तीखा खाना हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चम्मच से मतलब बेसन भी ले लिया है। तो और टेस्ट के अनुसार उसमें नमक डाल लेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे। डाइजेशन ठीक होता है इससे, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होता है खाकर। और पानी ज़रूरत के हिसाब से डालते जाएँ और घोल बना लें इसको अच्छा सा गाढ़ा सा, मतलब गाढ़ा ना पतला, मीडियम साइज़ का घोल बना लें जिस तरह हम पकौड़े के लिए बनाते हैं उस तरह से। और बस मैंने उधर फ्राई पैन रखा हुआ है तेल गरम रखने के लिए, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये इस तरह से इसको निकाल लेंगे। जल्दी से फटाफट से बन जाता है। अगर मूड आपका अच्छा हो ना तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अगर आपको थोड़ा सा मूड आपका ख़राब हो ना तो फिर खाना बनाने में कोई भी काम कर दो फिर तो ऐसी चिड़चिड़ी सी लगती है ना कि कुछ हो मत। तो मैं क्या, चलो बना देती हूँ। तो इस तरह से इसको निकाल लें, अच्छे से पका लें थोड़ी सी स्लो आंच में, और ताकि आलू अच्छे से पक जाएं। और इस तरह से अच्छे लगते हैं ये, फटाफट से बन जाते हैं, ना ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम है ना कुछ है। तो आज मेरा मन हुआ पकोड़े बनाने का तो मैंने वैसे बना लिए, ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे पालक वगैरह कुछ भी घर में। तो इस तरह से निकाल लेंगे, ये मैंने निकाल लिए हैं, ये पक चुके हैं अच्छे से। तो मैं क्या, चलो मम्मी को दे देती हूँ उनको, मेरी सासू माँ को, वो बैठी हुई थी नहा धो के खाना खाने के लिए। मैं क्या, चलो चाय पकड़ा देती हूँ। तो मैं लगा देती हूँ उनके लिए प्लेट, तो प्लेट में रख देंगे चाय, जो सॉरी पकौड़े रख देंगे और वो चाय के साथ ही मतलब खाती हैं, तो उनके लिए चाय दे देंगे। कैसा लगा है आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए, हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।